Hello children, how are you? I hope you are all doing fine. Ma'am has told you, you have to wear mask. Whenever you go outside, you have to wear mask. But you should not go outside, okay? Tell your mummy and papa to wear mask. And sanitize your hands always. This is a sanitizer, na? Whenever you touch anything or आप कहीं भी बाहर से आते हो कुछ चीज लाते हो तो यू हैव ऑलवेज टू यूज सैनिटाइजर. मैम हैज टोल्ड यू ऑलरेडी एंड यू हैव टू वॉश हैंड्स आफ्टर एवरी टू आवर्स. ओके, और क्या करना है मैम ने और क्या क्या बताया आपको? यू हैव टू कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन, टेक बाथ डेली. थोड़ी सी ठंड हो गई है बट नो वरीज, टेक बाथ विद हॉट वाटर. अच्छे से बात लीजिए, कोम करिए, टीथ ब्रश योर टीथ वेरी नाइसली एंड देन ड्रिंक हॉट वाटर मिल्क. सो ठंड भाग जाएगी. ओके, चल नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टुडे फर्स्ट वी विल रिवाइज आवर इंग्लिश लेटर्स. ओके, टेल मी विच लेटर इज दिस? बी. बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल. Okay, which letter is this? You all know fast. Tell me. Yes, I know all of you are speaking. This is C. C for cat. C se aur kya hota hai? Jaldi bataiye C se aur kya hota hai? Cup, cap. Okay, which letter is this? This is G. G for girl. Yahan par to girl bani hai na, aur G se kya hota hai? Grapes, guitar. Giraffe, है ना? Okay, now what is this? X for xylophone. और एक चीज और होती है X for Xmas tree. Christmas आने वाला है ना, उस पे Xmas tree हम decorate करेंगे सुंदर सा. W for watch. W for watch. और क्या होता है W से? W for wheel. ना, W for woman. Okay. Now, which letter is this? This is U. U for umbrella. U for umbrella. S for shoes. S for shoes. S से और क्या होता है? जल्दी बताइए. S for sun. S for sparrow. Okay. Now, which letter is this? This is Z. Z for zebra. Okay. Now, which letter is this? This is K. K for kite. Okay. R for rabbit. R for rainbow. Okay. Now, what is this? L for lion. Okay, now what is this? O for owl. Okay, which letter is this? This is J. J for joker. Aur kya hota hai J se? J for jug. J for jar. Now which letter is this? This is F. F for fish. F for flower. Okay, ये तो आप सबको मालूम है. A for apple. A for I for ink. और क्या होता है इसे? I for igloo. I for India. India का मैप दिखाया था ना मैम ने, I for India. Now which letter is this? This is E. E for elephant. E for egg. E for eyes. T for turtle. Or for the T say T for tree. Okay, now this is our worksheet. I am going to tell you about a new worksheet. Fill in the missing letters. Fill in the missing letters. Okay, now tell me which letter is this? A. और A के बाद मैम ने देखो यहाँ पर डैश छोड़ा है,
फिर उसके बाद सी लिखा है, फिर अगेन डैश छोड़ा है और फिर ई लिखा है। अब आपको यहाँ पर लिखना है, अभी जैसे मैम लिखेंगी, अब आप बताइए व्हाट कम्स आफ्टर ए, ए के बाद क्या आता है, बी। यस, सो वी विल राइट बी हेयर, तो हम यहाँ पर ऐसे बी लिखेंगे। अब सी, सी के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ जल्दी, ए बी सी डी बोल के देखो, ए बी सी डी, तो क्या आया डी, सो वी विल राइट डी हेयर। समझ आया, ऐसे करेंगे। नाउ टेल मी विच लेटर इज दिस, जी। अब जी के बाद क्या आता है, जल्दी से बताएंगे, ए बी सी डी बोलकर देखें, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच, क्या आया एच, तो हम यहाँ पर एच लिखेंगे। एच के बाद आई, आई के बाद क्या आता है, जे, सो वी विल राइट जे हेयर। ओके, नाउ दिस इज एन, ओके एन, एन के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ, नहीं आ रहा, चलो ए बी सी डी बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, क्या आया ओ, सो वी विल राइट ओ हेयर। पी, पी के बाद क्यू, सो वी विल राइट क्यू हेयर। अभी आ गया यू, यू के बाद क्या आता है, ऐसे ही आप ए बी सी डी बोलकर देखोगे, यू के बाद आता है वी, डब्ल्यू एक्स, जब आपको नहीं आएगा सो यू विल स्पीक ए बी सी डी और फिर आप देखोगे उस लेटर के बाद क्या आया, बी, बी के बाद क्या आता है, ए बी सी, सो वी विल राइट सी हियर। डी, ए बी सी डी ई, सो वी विल राइट ई हियर। सो दिस इज अ फिल इन द मिसिंग लेटर्स, व्हाट इज दिस, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। अगर आपको ये नहीं आएगा तो मैम ने आपको बताया ना कैसे करना है, आप ए बी सी डी बोलकर देखोगे, ऐसे लेटर पे फिंगर रखोगे एंड यू विल स्पीक ए बी सी डी और फिर देखोगे उसके बाद क्या आया और फिर जल्दी से लिख दोगे। ओके, सो ये आपने कहाँ करनी है वर्कशीट, अपनी ऑरेंज नोटबुक में, इंग्लिश की नोटबुक में, एंड देन सेंड इट टू योर मैम। बाय।